हेलो फ्रेंड्स, रीना रसोई डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम रीना रसोई में फटाफट और स्वादिष्ट बनने वाली मिठाई बताएंगे, जिसका नाम है सूजी और कच्चे नारियल के लड्डू। 2 चम्मच देसी घी में हम लड्डू कैसे बनाते हैं, आइए चलकर देखते हैं रीना रसोई में। सूजी का लड्डू बनाने में हम किन किन इन्ग्रीडियंट्स का प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। 1 कप हमने सूजी ली है, 1/2 कप हमने पिसी हुई शक्कर ली है, 2 चम्मच इलायची पाउडर लिया है, 1 नारियल लिया है पानी वाला, इसको हमने मिक्सी में पीस कर इस तरह से तैयार करा है। हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, हमने काजू, बादाम, अखरोट लिया है, आप किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट्स प्रयोग कर सकते हैं। 1/2 कप हमने दूध लिया है, दूध को आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच देसी घी लिया है। अब हम चलते हैं, पहले सूजी को भूनकर तैयार करेंगे। कढ़ाई हमारी अब गर्म हो गई है, अब हम इसमें सूजी को ड्राई रोस्ट करेंगे। आप लोग घी डालकर भी इसको भून सकते हैं। हम इसको बिना घी के मध्यम आंच पर धीरे धीरे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। हमको इसका कलर पूरी तरह से नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा भूनना है। हमारी सूजी भूनकर तैयार हो गई है, इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी आप थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम 1/2 से 1 मिनट भूनेंगे, हल्का सा गुलाबी कलर करेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स भूनकर तैयार हो गए हैं, इनको हम उसी भुनी हुई सूजी में निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में नारियल भूनेंगे, इसको हमको हल्का गुलाबी भूनना है, जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे लड्डू ज़्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं। अब हमारा नारियल हल्का गुलाबी भुन गया है, अब हम इसमें सूजी डालेंगे, सूजी और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आंच को मध्यम रखिए। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारी सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल गई हैं। अब इसमें हम पिसी हुई शक्कर डालेंगे। हम शक्कर एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। अब शक्कर को भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। जब शक्कर अच्छी तरह से मिल जाएगी, तब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर को भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाने पर अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। दूध हम एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, दूध हम उतना ही डालेंगे जिससे हमारी सारी चीज़ें आपस में बाइंड होने लगेंगी। इतने 1 कप सूजी के लड्डू बनाने में हमारे 1/2 कप दूध का प्रयोग हुआ है, बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं लगता है। इसी तरह से हम चला चला कर इसको 1 मिनट का तक मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा दूध, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई हैं, अब इसको हम गैस बंद करके 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। पाँच मिनट हमारे हो गए हैं, अब हम कवर को हटाकर देखते हैं। अब हमारा लड्डू बनाने के लिए मटेरियल तैयार हो गया है, इसको पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हमको इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। ये देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। ये बनाना भी बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए घर के सामानों से और कम समय में एक स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। इसको फटाफट बनाइए और हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये कैसे बने हैं।
यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज़ ज़रूर करिए। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।